चलिए दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एसएफ आर्ट गैलरी। दोस्तों मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अच्छा रिस्पांस देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बनाते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइटम जिसे हम लोग स्टोर सिलेंडर भी कहते हैं, जो टॉय के रूप में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। देखिए उसके लिए हमें क्या चाहिए। चलिए दोस्तों, ग्लू, इन्विटेशन कार्ड, ब्रश, पेन, मैच बॉक्स, सीजर, कलर, फेविकॉल बॉटल दोस्तों, और इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग जो जमनी टी का पाउडर जो यूज़ करते हैं, उसका जो पैकिंग कवर आता है दोस्तों, उसे हमें इस्तेमाल करना है दोस्तों। चलिए किस तरह से बनाया जाता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले तो दोस्तों इसे हमें अटैच करना चाहिए इस तरह से। इस तरह से इसे अटैच कर दीजिए दोस्तों। करने के बाद ये जो हमारे जमनी टी का जो पाउडर का पैक आता है दोस्तों, इसका हमें इस्तेमाल करना है दोस्तों। इसे भी सेम इसी तरह से यहाँ पर अटैच करना है दोस्तों, अटैच कर कर कट करना है। इसे जब तक हमें ड्राई होने देना चाहिए दोस्तों। देखिए इस तरह से हमें जितना साइज चाहिए दोस्तों, उसके हिसाब से इसे हमें कट भी करना है दोस्तों। इस तरह से हमें सेट करना है दोस्तों। ये पूरा सेट कर बताता हूं मैं दोस्तों। देखिए किस तरह से दिखता है। देखिए दोस्तों, ये पूरा कवर लगाने के बाद हमारा ये स्टोव इस तरह से दिखेगा। इसके बाद दोस्तों फिर इसे यहाँ पर हमें ये इस तरह का जो इनविटेशन कार्ड है, उसे कट कर अटैच करना है दोस्तों। तरह से हमें अटैच करना है दोस्तों। ये अटैच कर फिर इसके ऊपर से भी सेम हमें इसी तरह की, इस तरह से हमारा स्टोव रेडी हो जाएगा दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमें फिर इसी तरह से ग्लिटर पेपर जो है, इसे लगाना है दोस्तों। पूरा कवर लगाने के बाद हमारा स्टोव इस तरह से रेडी हो जाएगा दोस्तों। होने के बाद फिर इसके ऊपर हमें यहाँ पर सर्किल्स भी लगाना है दोस्तों। उसके लिए हमें यहाँ पर ये जो बाटल होता है, फिश का जो बाटल होता है दोस्तों, बाटल का जो कैप आता है, कैप के साथ इस तरह का जो रिंग आता है, रिंग को हमें यूज़ करना है दोस्तों। उसके साथ साथ ये छोटा एक रिंग लगाना है और एक बड़ा रिंग लगाना है दोस्तों।
उसके साथ साथ जो ये क्रीम की ट्यूब आती है, ट्यूब का जो कवर आता है, कवर को भी हमें इस्तेमाल करना है दोस्तों। इस तरह से छोटा दिखेगा, इसे यहाँ पर हमें इस तरह से लगाना है दोस्तों। इस तरह से दो साइड, दो स्टोव के लिए हमें लगाना है दोस्तों, और मिडिल में इस तरह से सेट करना है दोस्तों। इस तरह से दिखेगा, देखिए मैं लगाकर बताता हूँ किस तरह से दिखता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे स्टोव को इस तरह से रिंग्स अटैच करने के बाद हमारा स्टोव ये इस तरह से दिखेगा। दिखने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर इसके नोब्स भी लगाना है। उसके लिए यहाँ पर मैं जो हमारे बटन के शर्ट के जो बटन्स होते हैं दोस्तों, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसे भी हमें यहाँ पर अटैच करना है दोस्तों। देखिए किस तरह से दिखता है अटैच करने के बाद। दिखेगा दोस्तों, देखिए। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें ऑलरेडी मैंने मैच बॉक्स के जो स्टिक्स रहते हैं, मैच स्टिक्स जो होते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों। देखो यहाँ पर इसे हमें अटैच करना है यहाँ पर इस तरह से। देखिए दोस्तों किस तरह से दिखता है अटैच करने के बाद। देखिए देखो दोस्तों, ये नोप लगाने के बाद हमारा स्टो इस तरह से दिखेगा। दिखने के बाद दोस्तों फिर इसे यहाँ पर हमें सपोर्ट के लिए भी लगाना है दोस्तों। उसके लिए यहाँ पर हमारे पास जो भी पुराना पिन वगैरह जो भी रहता है दोस्तों, उसका एक ग्रिपर आता है इस तरह से। उसका जो भी ग्रिपर है ना दोस्तों, उसे हमें कट कर कर यहाँ पर अटैच करना है दोस्तों। इस तरह से इसे हमें कट करना है दोस्तों, इस तरह से इसके जो भी साइज करना है दोस्तों, इस तरह से। देखिए अटैच कर कर बताता हूँ मैं ये किस तरह से दिखते हैं दोस्तों। इस तरह से ग्रिप्स लगाना है। लगाने के बाद दोस्तों फिर हमारे सिलेंडर के लिए यहाँ पर हमें हमारे स्टोव के लिए यहाँ पर हमें सिलेंडर की भी ज़रूरत है दोस्तों। उसके लिए इस तरह का जो भी पुराना फेविकॉल का जो आपके पास ट्यूब है, उसका इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। इसे रेड कलर कीजिए। रेड कलर करने के बाद उसे हम लोग सिलेंडर की तरह इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से दिखेगा दोस्तों। इसे हमें कलर करना चाहिए दोस्तों, एकदम रेड कलर दिखना चाहिए हमें। देखिए दोस्तों, हमारा स्टोव इस तरह से रेडी हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने कहा है कि यहाँ पर जो भी हमारे पास वेस्ट आइटम था, उसको किस तरह से हम लोगों ने इस्तेमाल किया है दोस्तों। इस तरह से इसे सपोर्ट लगाने के बाद, ये पूरा रेड सेट करने के बाद ये इस तरह से दिखेगा दोस्तों। देखिए उसके साथ साथ यहाँ पर मैंने कहा है कि फेविकॉल के पास हमारे फेविकॉल की जो भी हमारे पास पुरानी खाली पड़ी हुई ट्यूब है, उससे हम लोग सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। फिर यहाँ पर हमें ये जो ऊल है, ऊल से इसको कनेक्शन देना है दोस्तों। इस तरह से यहाँ पर लगाकर अटैच करना है दोस्तों, जो कि हमारा ओरिजिनल सिलेंडर की तरह दिखे। देखिए दोस्तों, हमारे सिलेंडर को इस तरह से पाइप अटैच करने के बाद ये इस तरह से दिखेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें ये बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी लो कास्ट और नो कास्ट के अंडर ही आएगा दोस्तों। जिस तरह से हम लोग वेस्ट समझकर मैच बॉक्स को फेंकते, उसी तरह से जमनी का जो कवर होता है, कवर को फेंकते, और उसी तरह से जो ट्यूब है दोस्तों, जो फेविकॉल की ट्यूब है, ट्यूब को जिस तरह से हम लोग फेंकते, उसे हम लोग इस तरह से सुंदर स्टोव और सिलेंडर बना सकते हैं दोस्तों। ये आप चाहे तो किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, या आप घर में भी डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, या चाहे तो हम लोग
कोई एक प्रोजेक्ट वर्क के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा, ये वीडियो भी आप लोग घर पर ट्राई करेंगे। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माई व्यूवर्स, दोज वो आर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रॉम माई चैनल SF आर्ट गैलरी। थैंक यू।